जो लोगों ने इंग्लिश तैयारी चैनल का, जो मेरा अलग चैनल है जिसमें सिर्फ इंग्लिश का सब्जेक्ट्स में वीडियो बनाता हूँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है। हे गाइस, कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? आई होप पूरा जोर लगा के पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है? सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, जो आपका एम है उसी पे फोकस करो। आपका प्रेजेंट प्रेजेंट सिचुएशन में क्या एम है कि एक पोस्ट लेना है, वो एक एम है। तो एक टेम्पररी जो अभी हमारा जो एम है उस पर फोकस करना चाहिए। आप फ्यूचर के बारे में भूल जाओ, क्या कट ऑफ आने वाला है, कितने पोस्ट निकलने वाले, वो सब हमारे हाथ में नहीं है। जो हमारे हाथ में है कि पढ़ना है मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जो डेली टू डेली जितना पढ़ना होता है, आपने जो तय किया है कि मेरे को इतना इतना ख़त्म करना है तो ख़त्म करना है, उसी पे फोकस करो। देखो, एग्ज़ाम पास में आ रहा है धीरे धीरे, एक एक दिन बीतते जा रहा है, तो वेस्ट नहीं करना है। अक्टूबर में एंड में जो फॉर्म निकलने वाला है सीजीएल 2019 का, उससे पहले मिनिमम एक बार कोर्स ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर आप एक बार ख़त्म करके एक बार रिवीजन कर देते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए सारे सब्जेक्ट का। अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो दोस्तों प्रॉब्लम में फंस सकते हो, ठीक है? एग्ज़ाम देखो बहुत कंपटीशन है, लेकिन कंपटीशन है तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सिलेबस जल्दी ख़त्म करके जल्दी से रिवीजन पे आ जाओ, फिर वो आप सबको पीछे कर दो आराम से, मतलब पीछे कर दोगे, उससे मतलब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप पढ़ नहीं रहे हो, डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ है आपका लाइफ, तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है? तो याद रखो, अक्टूबर से पहले मिनिमम एक बार कोर्स ख़त्म हो जाना चाहिए, सिलेबस टोटली ख़त्म हो जाना चाहिए, फिर रिवीजन मोड में आ जाना चाहिए, ठीक है? तो इस वीडियो का बनाने का पर्पज़ क्या है कि मेरे को मॉक टेस्ट के बारे में बताना है। अब देखो, मॉक टेस्ट हमको समझना होगा, हम मॉक टेस्ट क्यों देते हैं। मॉक टेस्ट इसलिए देते हैं कि हमारा एक स्पीड इम्प्रूव होगा, ये एक रीज़न है मॉक टेस्ट देने का। और एक देते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हमको मिलता है मॉक टेस्ट में, ये एक दूसरा रीज़न है। तीसरा रीज़न क्या है दोस्तों? तीसरा रीज़न ये है कि हमको टाइम मैनेजमेंट पता चलता है। जितना ज़्यादा जो मॉक टेस्ट देता है वो समझ पाता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए एग्ज़ाम में, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मॉक टेस्ट आपने दिया, तो मॉक टेस्ट क्या होता है? रियल एग्ज़ाम टाइप का एनवायरनमेंट होता है। तो हमने एक टेस्ट स्टार्ट कर दिया, मॉक टेस्ट बैठ के दिया। मॉक टेस्ट देने से क्या हुआ कि हमारा कुछ गलतियाँ होगा, तो हम वो गलतियाँ से सीखेंगे, हम जानेंगे क्यों गलतियाँ वो हुआ, तो वहाँ से हम टाइम मैनेजमेंट करेंगे कि हाँ, मैंने इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट करके मेरा आंसर ही नहीं आया, तो क्या हो गया? वो टाइम तो वेस्ट हो गया, एक्स्ट्रा टाइम तो एग्ज़ाम में देने वाला है नहीं, तो वो टाइम तो गया। तो हमको वहाँ पे सीखना होगा कि जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट में, देखने से दिखाई मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो उस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। क्या पता आगे इजी क्वेश्चन हो, तो एक क्वेश्चन में अगर फंस जाओगे, जिद करके बैठ जाओगे कि नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस तो मेरा बेस्ट चैप्टर है, मेरा सबसे अच्छा चैप्टर है, तो इसका क्वेश्चन मैं करके ही रहूँगा, तो ये गलती अगर करोगे तो फिर आपको एग्ज़ाम धोखा दे देगा। तो ऐसा मतलब ईगो नहीं लेना है अपने आप पे, जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है आगे बढ़ जाओ। तो ये मॉक टेस्ट से ही इम्प्रूव होगा, ये क्वालिटी आपके अंदर जो इम्प्रूव होगा ये मॉक टेस्ट से ही इम्प्रूव होगा। टाइम मैनेजमेंट अपने आप, सब अपने अपने, सब अलग अलग इंडिविजुअल है, ठीक है, यूनिक है सब लोग, तो सब लोग अपने हिसाब से अपना टाइम मैनेजमेंट सेट करेंगे, कोई ऐसे फिक्स नहीं है। अभी मैं बता दूंगा कि ये टाइम मैनेजमेंट से करो, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब अपने हिसाब से करते हैं। आप किसी को फॉलो मत करो, आपको गाइड किया जा रहा है, ठीक है? मेरा काम है गाइड करना, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस रास्ते पे चलो, उस रास्ते पे कैसे चलना है वो आपका काम है, ठीक है? चलना और कैसे चलना है, रास्ते में गिरोगे फिर उठोगे सीखोगे, ये आपका काम है, सब कुछ नहीं बता सकता कोई आपको, समझ में आ रहा है? मॉक टेस्ट ये रीज़न है मॉक टेस्ट देने का। अब मैं आपको बताऊं, जो फुल मॉक टेस्ट होता है टीयर 1 के, जो 100 क्वेश्चन वाले मॉक टेस्ट हैं, वो देने से पहले छोटे छोटे मॉक टेस्ट दिया करो, अभी से डेली दो, ठीक है? इससे क्या होगा कि आपका स्पीड भी बढ़ेगा और आपका माइंड एग्ज़ाम के लिए तैयार हो रहा है, माइंड एग्ज़ाम के लिए तैयार हो रहा है। तो ये वाला जो चीज़ है, जो ये ज़्यादा लोग नहीं करते हैं, और जो करता है डेली, डेफिनेटली उन लोगों का अच्छा होता है स्कोर, और वो लोग अच्छा स्कोर करके सिलेक्शन ले लेते हैं। तो देखो, जो आप डेली फेसबुक खोलते हो, घंटे घंटे बैठे रहते हो फेसबुक में, मैसेंजर में, कुछ भी ले लो, यूट्यूब पे पढ़ाई के वीडियो के अलावा बहुत सारे वीडियोस देखते हैं सब लोग, टाइम वेस्ट करते हैं, तो ये सब नहीं करके जब भी मन करे सोशल मीडिया खोलने का, तो अड्डा 247 का जो ऐप है उसको खोलो और उसमें से क्विज दो डेली। ये आपका रेगुलर, मतलब अपने दिमाग में या तो कहीं ना कहीं दीवार के सामने लिख के रख लो कि मेरे को डेली क्विज देना है,
है, जब भी मन करे सोशल मीडिया खोलने का, अड्डा एप्लीकेशन खोलो, एग्जाम तक मैं बता रहा हूँ, अड्डा एप्लीकेशन खोलो और उसमें से क्विज दो। तो उससे क्या होगा, प्रीवियस, देखो क्विज में जितने भी जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उन्होंने ऐड करके रखा हुआ है, तो वहाँ से अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो वहाँ से प्रैक्टिस हो रहा है। और वहाँ पे अच्छा ये है कि वहाँ के टाइम लिमिट दिया हुआ है। अब टाइम लिमिट में फॉर एग्जांपल 10-20 मिनट में आपको करना है 15 क्वेश्चन, अब सारे नहीं होंगे, कुछ बच जाएंगे, ठीक है कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो जो हुआ है आपने सॉल्व किया है ठीक है, जो जो नहीं हुआ है उसको थोड़ा एनालिसिस करो, खुद से बैठ के सॉल्व करने की कोशिश करो। तो डेली अगर ऐसे मॉक क्विज दोगे, छोटे छोटे क्विज जितना हो सके दो, मतलब खाली टाइम में जब आप बैठते हो तो क्विज दो, इससे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। जो आप पढ़ रहे हो ना, आप जो पढ़ रहे हो ये इसको ऐसे खींचेगा, ठीक है, जो इलास्टिक आपने देखा है ना, इलास्टिक की तरह आपका जो पढ़ने का जो आपने जितना थ्योरी पढ़ा हुआ है वो उसको खींचेगा और लंबे समय तक याद रख सकते हो उसको। तो क्विज का काम यही है। अब फुल मॉक टेस्ट कब से देना स्टार्ट करना है, देखो जब फॉर्म निकल जाए, एक बार फॉर्म निकल जाएगा ना तब से फुल मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना। तो मेरे हिसाब से 3 महीने पहले, नहीं तो 2 महीने पहले डेली एक एक मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है। 2 महीने पहले से, मतलब पहले से स्टार्ट मत करो, जैसे 2 महीने बचेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चल रहे कि हम फरवरी में एग्ज़ाम होगा, तो फरवरी फर्स्ट समझ लो, फरवरी एंड में होने ऐसे लग रहा है लेकिन फरवरी फर्स्ट समझ लो, तो जनवरी दिसंबर, तो नवंबर एंड से डेली एक एक मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना होगा। मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से मॉक टेस्ट देना है, वही बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखो, आराम से देखो, सब कुछ समझो मैं जो बोल रहा हूँ। तो क्या हुआ, नवंबर एंड से बताया मैंने मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट देने के लिए डेली एक एक। अभी से क्या कर सकते हो कि हफ्ते में 2 दे सकते हो, 2 बहुत है, 2 मोर देन एनफ है। अभी सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, मतलब सिलेबस कंप्लीट पे फोकस करो, और सिलेबस को मल्टीपल रिवीजन जैसे कर सकते हो उस पे फोकस करो। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, आपका थ्योरी बेस, मतलब आपका नॉलेज बढ़ता जा रहा है। जैसे नवंबर एंड हो जाएगा तब क्या करना, जो मॉक टेस्ट जो हफ्ते में 2 दे रहे थे उसको क्या करना है, डेली देना है, ठीक है, डेली एक देना है, 60 मिनट बैठ के अच्छे से एग्ज़ाम देना, जैसे एग्ज़ाम में हम बैठते हैं, और ट्राई करो कि डे टाइम में देने के लिए, कोई भी टाइम में दो, ऐसे कुछ नहीं है कोई भी शिफ्ट आ सकता है, ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन रात में मत देना, दिन में ही दो। तो क्या होगा इस चीज़ से, फिर आपने मतलब जितना भी पढ़ा हुआ है फिर आप अप्लाई करने लोगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अब मॉक टेस्ट में क्या होता है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, अब वो क्वेश्चन आपने देखा नहीं, कुछ टाइप के क्वेश्चन होंगे जो आपने कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया हुआ है, तो क्या होगा, वो एग्जाम में नहीं होगा, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मॉक टेस्ट इज़ नॉट ए फाइनल एग्जाम, ये आपको समझना होगा, उसमें जो मार्क्स आएंगे दैट इज़ नॉट फाइनल, वो आपको समझना होगा, और उससे डिमोटिवेट नहीं होना है, कुछ भी मार्क्स आ जाए, कम मार्क आए तो उससे डिमोटिवेट नहीं होना, वो एक मॉक टेस्ट है, वो टेस्ट है, आपको पहले से पता चल गया कि मेरा ये है औकात, मतलब मेरा जो लेवल है ये है, आपको पहले से पता चल गया। अब देखो किसी को पता चला उसका लेवल 4 महीना पहले, किसी को पता चला उसका लेवल 1 महीना पहले, कौन इम्प्रूव कर सकता है बताओ, जिसे 4 महीना पहले पता चला है वो इम्प्रूव कर सकता है, जिसे 1 महीने पता चला है उसे वो इम्प्रूव कर सकता है। अब 1 महीने पहले पता चला मतलब बहुत लेट हो गया उसका, 4 महीने पहले पता चला है मतलब उसके पास टाइम है, वो इम्प्रूव कर सकता है, इसलिए मॉक टेस्ट दिया जाता है, ठीक है। तो क्या करना है, नवंबर एंड से फुल मॉक टेस्ट डेली एक एक देना है। अभी से आप क्या कर सकते हो, हफ्ते में 2 दे दो, बहुत है, 2 आराम से बैठो, पूरा एग्जाम दो 60 मिनट का, फिर उसको बैठ के एनालिसिस, जितना जो 100 क्वेश्चंस आपने किया हुआ है ना, फिर से 100 करना है बैठ के, मतलब बिना टाइम का बैठ के एक एक क्वेश्चन को देखना है कि आपने सही तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया है कि नहीं, तुक्के नहीं मारे हैं, मतलब जो रीजनिंग और मैथ में जो होता है हम तुक्के मार देते हैं कभी कभी, क्या होता है एग्जाम में नॉर्मली ये गेस कर देते हैं, तो वो गेस वर्क नहीं होना चाहिए। अब जो भी क्वेश्चन आपने गेस करके किया होगा एग्जाम में, मतलब मॉक टेस्ट देने के टाइम में, तो उस क्वेश्चन को आपको रियल मेथड आना चाहिए, मतलब इस क्वेश्चन को एक्चुअली कैसे सॉल्व किया जाए वो आपको पता होना चाहिए। तो जितने भी मॉक टेस्ट दोगे ना, तो एंड में एग्जाम के दिन जो असली एग्जाम है, जितने उससे पहले जितने भी मॉक टेस्ट दिए हुए, सारे क्वेश्चंस आपके आंसर पता होना चाहिए, मतलब उसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आपको कोई दे दे कि इसको सॉल्व करके दिखाओ, तो आपको सॉल्व कर पाना चाहिए, तब जाके आपका एग्ज़ाम, समझ लेना इनएविटेबली आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा, ठीक है, मैं आपको मतलब गारंटी दे सकता हूँ आप अच्छा कर दोगे एग्ज़ाम, लेकिन ये प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। सारे मॉक टेस्ट को देने के बाद कोई भी मार्क आए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन उसको
देने के बाद जो एनालिसिस करोगे, फिर उसके बाद कोई गलती नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है। और जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मिलेगा उसको अलग से एक नोटबुक में लिख के रख लेना, क्योंकि एग्ज़ाम के जो पहले दिन जो पढ़ोगे ना, वो पढ़ाई कोर्स वाला पढ़ाई नहीं करोगे, मतलब पूरा सिलेबस बैठ के नहीं पढ़ोगे। एग्ज़ाम से पहले दिन वो पढ़ा जाता है जो आपका फंस रहा है, जो क्वेश्चन आपका फंस रहा है वो एग्ज़ाम से पहले दिन पढ़ा जाता है। एग्ज़ाम से पहले दिन उतना ही आपको लिमिटेड सोर्स रखना है जो आप एक दिन में कंप्लीट कर सको, तो अंदर से कॉन्फिडेंस आया कि मैंने कंप्लीट करके गया हुआ है। अब समझ लो कि इतना मोटा सा बुक पकड़ लिया एग्ज़ाम से पहले दिन, कंप्लीट होगा नहीं, नॉर्मल सी बात है। तो आपके मन में साइकोलॉजिकली एक प्रॉब्लम हो जाएगा कि कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, मैंने कंप्लीट करके नहीं गया है एग्ज़ाम में। एक मन में डर रहेगा कि कहीं एक क्वेश्चन मेरा मिस ना हो जाए, तो वो डर बन जाएगा जब तक आप कंप्लीट नहीं करोगे एक दिन पहले। तो एक दिन पहले एक ऐसा सोर्स बनाओ जो कंप्लीट कर सको, जैसे कि कोई क्लास नोट या जितने भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो मॉक टेस्ट के आपने जो नहीं हुआ था वो आपने अलग से नोटबुक में लिख के उसका सोल्यूशन लिखा हुआ है, तो उतना पढ़ना है एक दिन पहले, ठीक है। तो ये रहा मॉक टेस्ट कैसे करना है, मैंने आपको बता दिया पूरा कम्प्लीटली। अब हम बात करेंगे कि कौन सा मॉक टेस्ट करें। मार्केट में बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं, तो डेली क्विजेस करना है अड्डा 247 ऐप से। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो ग्रेड अप से भी कर सकते हो, तो दोनों नहीं करना, दोनों में से एक करना है, ठीक है, कोई भी करो योर विश, लेकिन दोनों में से एक करना है। अब मार्केट में बहुत सारे मॉक टेस्ट है, टेस्ट बुक है, SSC ट्यूब है, टॉप रैकर्स और पारामाउंट का जो कोलैबोरेट होके एक मॉक टेस्ट वो लोग करते हैं, फिर क्यू मैथ्स का है, तो ये सारे जो KD कैंपस भी है, तो ये सारे क्या है, थोड़ा मतलब जिनका बहुत ही सालों से चलता आ रहा है, मतलब नाम है इन लोग का, तो ये सारे इनके भी मॉक टेस्ट भी अच्छे ही होते हैं। तो आप कोई भी मॉक टेस्ट खरीद सकते हो, ऐसा कुछ मतलब फिक्स नहीं है कि ये मॉक टेस्ट करोगे तो अच्छा मार्क्स आएगा और ये मॉक टेस्ट करोगे तो अच्छा मार्क्स नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन दो मॉक टेस्ट खरीदना, ठीक है, दो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, दो खरीदो, एक नहीं खरीदना है, दो खरीदना, अलग अलग खरीदना है, एक जगह पे दो नहीं खरीदना है। तो टेस्ट बुक मैं आपको बता दे रहा हूँ, टेस्ट बुक और क्यू मैथ्स ये दोनों में से कोई एक खरीद लो, अच्छा हो तो, मतलब अगर मतलब मेरे हिसाब से बताया जाए तो क्यू मैथ्स खरीद लो, क्योंकि क्यू मैथ्स के क्वेश्चंस लगभग SSC के टाइप के CGL टाइप के होते हैं, सेम टाइप लेवल होते हैं, मतलब जैसे CGL में लेवल होता है उसी लेवल का मतलब क्यू मैथ्स के जो मॉक टेस्ट होते हैं। तो टेस्ट बुक या तो अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्यू मैथ्स तो टेस्ट बुक खरीद लो, ये दोनों में से एक खरीद लेना, और SSC ट्यूब, टॉप रैंकर्स और KD कैंपस ये तीनों में से एक खरीद लेना। तो दो हो गया, इस तरफ एक हो गया और ये वाला एक हो गया। तो दो मॉक टेस्ट करना है, दो मॉक टेस्ट कंप्लीट करना है टीयर वन के लिए। अभी हम टीयर वन के लिए फोकस कर रहे हैं दोस्तों, टीयर टू के लिए मैं आपको बाद में बताऊंगा जैसे एग्जाम खत्म हो जाए तो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि टीयर टू के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा, नहीं, अभी जो आपने पढ़ा हुआ है मैथ और इंग्लिश सेम सिलेबस है। टीयर वन जैसे ख़त्म हो जाए, दो दिन रेस्ट लेके, तीन दिन रेस्ट लेके, ज़्यादा दिन रेस्ट नहीं लेना है, ठीक है, तीन दिन रेस्ट लेके टीयर टू के लिए वही जो पढ़ा हुआ है उसको रिविज़न करना है और मॉक टेस्ट स्टार्टिंग से ही लगाना है, क्योंकि आपका ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है टीयर टू के लिए, ठीक है। तो वह मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अभी सिर्फ टीयर वन पे फोकस करो, ठीक है। तो क्या बताया मैंने, क्यू मैथ्स या तो टेस्ट बुक, ये दोनों में से कोई एक खरीद लो, या SSC ट्यूब, टॉप रैंकर्स या KD कैंपस, ये तीनों में से एक खरीद लो। तो यहाँ ये दोनों में से एक चूज़ करना है और वो तीनों में से एक चूज़ करना है, तो दो मॉक टेस्ट हो गया, ठीक है। तो दो मॉक टेस्ट कंप्लीट कर देना एग्ज़ाम टीयर वन जब एग्ज़ाम होने वाला है उससे पहले, क्लियर। तो पूरा मॉक टेस्ट के ऊपर जितने भी डाउट्स थे आई थिंक सब कुछ क्लियर हो गया होगा आपका। बहुत दिनों से आप लोग पूछ रहे थे कि मॉक टेस्ट कहाँ से लें, कैसे करें, तो ये इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया पूरा मॉक टेस्ट के बारे में, और डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया मॉक टेस्ट क्यों दिया, मतलब किया दिया जाता है, और छोटे छोटे क्विज देख के उससे ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। जो बड़े बड़े मॉक टेस्ट देने से पहले छोटे छोटे जो क्विज दोगे ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ये मैक्सिमम लोग इग्नोर करते हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जो लोग देते हो डेफिनेटली उनका स्कोर इम्प्रूव होगा। और एक क्वेश्चन, जब कोई टेस्ट दे रहा था, मैंने देखा था एक क्वेश्चन लिखा हुआ था कि टेस्ट में मार्क इम्प्रूव नहीं हो रहे, वही रीज़न है मार्क नहीं इम्प्रूव होने का। हम क्या करते हैं कि फर्स्ट से चले जाते हैं बड़े मॉक टेस्ट देने के लिए, बड़े से देने से पहले छोटे छोटे हमको देना चाहिए, इसलिए मैंने आपको क्विज बताया। तो डेली अगर क्विजेस दोगे तो डेफिनेटली आपका मार्क भी इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा, मार्क इम्प्रूव होगा, स्पीड इम्प्रूव होगा और एक्यूरेसी भी इम्प्रूव होगा, और टाइम मैनेजमेंट सीखोगे कि कौन सा क्वेश्चन को छोड़ना है और कौन सा क्वेश्चन को करना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसी से कितने गुने मार्क्स इम्प्रूव मतलब हो जाते हैं अपने आप, ठीक है। आई होप आपका डाउट मैंने क्लियर कर दिया इस वीडियो में,
अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए हैव